ये अगेन एनसीईआरटी को फॉलो कर रही है। इसके अंदर दो पार्ट्स हैं, पहला जो पार्ट है वो डिस्प्लेसमेंट करंट के न्यूमेरिकल्स हैं, दूसरा जो पार्ट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशंस और इंटेंसिटी के न्यूमेरिकल्स हैं। तो इसमें दो पार्ट्स हैं, तो हम पहले पार्ट से शुरू करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स, और जिसमें डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी सबको पता है, ये इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट करंट एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स के ई इंटू एरिया, एरिया बाहर आ गया डी बाई डी टी। तो आप एक काम कर सकते हैं, या तो टेक्निक याद कर लें या डिस्प्लेसमेंट करंट का ये फॉर्मूला ही लिख लें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में आपको वो डी फाई बाई डी टी नहीं देगा, वो आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा डी ई बाई डी टी। तो जिन क्वेश्चन में डी बाई डी टी देगा उसमें डिस्प्लेसमेंट करंट का ये फॉर्मूला लगेगा। पहला स्टेप क्लियर है। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप, वो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, वो क्या होगा डी वी बाई डी आर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स। तो वी बाई डी, क्लियर है यहाँ तक? तो ई की जगह वी बाई डी, डी बाहर आ गया तो क्या बचा डी वी बाई डी टी। तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया, क्या अगर किसी क्वेश्चन में डी वी बाई डी टी गिवन है, अगर तो डी फाई बाई डी टी गिवन है तो डिस्प्लेसमेंट करंट का ये फॉर्मूला, डी ई बाई डी टी गिवन है तो ये फॉर्मूला, और अगर डी वी बाई डी टी गिवन है तो ये फॉर्मूला, और लास्ट इंपॉर्टेंट एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी क्या होता है सी, तो ये फॉर्मूला। कई बार वो आपको कैपेसिटर में कैपेसिटेंस की वैल्यू देगा, 2 माइक्रोफेरड का कैपेसिटर है, डी वी बाई डी टी देगा, डिस्प्लेसमेंट करंट पूछेगा, तो लोग कहेंगे कैपेसिटर क्या करना है हमने, हमें तो ये चाहिए, तो ये फॉर्मूले से भी डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा। क्लियर है यहाँ तक सारे फॉर्मूलाज? तो अच्छा लिखा इसने एकदम, बिल्कुल क्लियर कर दिया सबसे पहले तो, ठीक है। इसके बाद ये हमने किया हुआ है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन, देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ सर्कुलर प्लेट्स, सर्कुलर प्लेट्स का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ये लो, इट इज बीइंग चार्ज सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड राइजेज स्टेडली एट अ रेट ऑफ, तो क्या गिवन है डी बाय डी टी। तो डिस्प्लेसमेंट करंट निकालो, क्या सिखाया था सीधा फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए डी बाय डी टी, और एरिया पाई आर स्क्वायर, आर पता है डी बाय डी टी पता है, आंसर समझ में आ रहा है कौन सा फॉर्मूला लगेगा और कैसे लगेगा। क्वेश्चन नंबर टू, वोल्टेज बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सी इज चेंजिंग एट अ रेट ऑफ, अब इस बार क्या गिवन है डी वी बाई डी टी, कैपेसिटर की वैल्यू दे रहा है वो आपको सी, अब सी पता है डी वी बाई डी टी पता है, डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला सीधा लगाओ, ये वाला ये मत करो, सीधा सी इंटू डी वी बाई डी टी, सही यहां तक। नेक्स्ट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका एरिया
50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक, एंड प्लेट सेपरेशन 3 mm है, इज चार्ज्ड इनिशियली टू 80 माइक्रोकूलम। ठीक है यहां तक। ड्यू टू रेडियो एक्टिव सोर्स नियर बाय, मीडियम बिटवीन द प्लेट्स गेट स्लाइटली कंडक्टिंग एंड प्लेट लूजेस चार्ज इनिशियली एट अ रेट ऑफ गिवन। तो dQ/dt गिवन है ये, तो आपको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट करंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालना है। क्या होगा ध्यान से देखो क्या है क्वेश्चन, फिर से पढ़ो। ये क्वेश्चन पता नहीं हमने कैसे समझा, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ गिवन है कि ये प्लेट ऑफ कैपेसिटर है, हमने इसे चार्ज कर दिया था और इनिशियली चार्ज हमें गिवन है, तो चार्ज किया तो ये क्या है प्लस और ये क्या है माइनस। ठीक हो गया यहाँ तक। तो ये कैपेसिटर, कोई वायर नहीं, कोई कुछ नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं। अब इसमें चार्ज हवा से उड़ के, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उड़ के तो जाते नहीं है, तो एक बार कैपेसिटर चार्ज हो गया तो हो गया, है ना, वायर चाहिए इनको डिस्चार्ज करने के लिए। कह रहे पड़ोस में कहीं ना रेडियो एक्टिव सैंपल पड़ा था, रेडियो एक्टिविटी हो गई थी, वहाँ के कुछ पार्टिकल उड़ के आ गए, वो उड़ के इनके बीच में मीडियम में आ गए और वो कंडक्टर थे और वो कंडक्टिंग थे, तो कंडक्टिंग थे तो यहाँ मीडियम मिल गया ताकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस रेडियो एक्टिव सैंपल से पास होते हुए यहाँ चला जाए। वायर तो थी नहीं, तो रेडियो एक्टिव सैंपल बीच में चला गया, रेडियो एक्टिव सैंपल से इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया और चार्ज कम होना स्टार्ट हो गया, डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है यहां तक। क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया तो करंट कैसे होगा, इस तरफ होगा, जो करंट है कौन सा, कंडक्शन करंट है ये, कंडक्शन। क्यों? क्योंकि यूरेनियम या जो भी रेडियो एक्टिव सैंपल है उसमें से निकल के गया इलेक्ट्रॉन। पॉइंट, दिस इज नॉट डिस्प्लेसमेंट करंट, नहीं, कैपेसिटर की प्लेट में पहले खाली वैक्यूम है, वैक्यूम में इलेक्ट्रॉन नहीं उड़ के जाते, अंदर भर दिया गया रेडियो एक्टिव सैंपल जो कि कंडक्टिंग था, वो वायर की तरह काम कर रहा है, उसमें से इलेक्ट्रॉन खिसक गया, उसको जगह मिली, कंडक्टर मिला, उसमें से निकल के पॉजिटिव प्लेट पे चला गया। एक तरीके से मटीरियल डाल दिया रेडियो एक्टिव, ऐसे कह लो, रेडियो एक्टिव मटीरियल डाल दिया तो इलेक्ट्रॉन खिसक के चला गया, इलेक्ट्रॉन इधर गया, प्लस चार्ज की डेफिशिएंसी को पूरा करता जा रहा है, कंडक्शन करंट कहाँ हुआ, मेरी तरफ हो गया। ठीक है, कंडक्शन करंट हो गया, और कंडक्शन करंट हो गया और कैपेसिटर की प्लेट में जब चार्ज कम होता है तो डिस्प्लेसमेंट करंट पैदा हो जाता है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डिस्प्लेस, तो साथ में वो भी हो गया, मतलब एक तो कंडक्शन करंट हो गया, ऊपर से डिस्प्लेसमेंट करंट भी हो गया। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक। कंडक्शन तो यूरेनियम की वजह या रेडियो एक्टिव सैंपल की वजह से हो गया, और डिस्प्लेसमेंट इसलिए हुआ क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज कम हो गया, तो वहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट भी हो गया। तो कह रहे डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगा ये बता दो, हमने किया ना फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला किया था अभी, जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वैसे ये करने की जरूरत क्या है, कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट का मैग्नीट्यूड तो हमेशा, तो dQ/dt तो ऑलरेडी गिवन ही है, तो यही आपका डिस्प्लेसमेंट करंट है और यही आपका कंडक्शन करंट है, तो एक आंसर आ गया, यही डिस्प्लेसमेंट यही कंडक्शन। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट रूल, जो आपका कंडक्शन करंट था मैंने कैसे शो किया था, जो आपका कंडक्शन करंट है वो ऐसा था, ये प्लस और ये माइनस, तो यहाँ से उड़ उड़ के सॉरी मूव कर करके इलेक्ट्रॉन इधर आए तो करंट, कंडक्शन करंट इधर था, इधर था, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है, इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ना, जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या कह रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इज ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होता है, वो कहता है। अब आपका कंडक्शन करंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ है
डिस्प्लेसमेंट करंट की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट है और वैल्यू दोनों की बराबर है, इसलिए आपस में दोनों के दोनों क्या हो गए, कैंसल। तो नेट करंट क्या हो गया, जीरो। तो नेट करंट पूछ रहे हैं एंड में, नेट करंट जीरो हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी डॉट डी एल से क्या आ गई, अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ही नहीं हो पाया वो कहता है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, बट चलो एक इसमें गिवन है, एनसीईआरटी को अपने भी डिस्कस कर लिया कि ऐसा कुछ क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन है वैसे ये। ठीक, ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है, इसका सोल्यूशन मैं रेफर नहीं करूँगा, लंबा सोल्यूशन किया हुआ है इसमें। एक तो गिवन कर लो आई डी, डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना नहीं है, गिवन है 0.15 एम्पियर और रेडियस की वैल्यू 12 सेंटीमीटर गिवन है आपको। एक सिलेंड्रिकल रीजन गिवन है, ये रहा एक वायर का क्रॉस सेक्शन है। ये क्वेश्चन ईएम वेव का नहीं है, आप ये लगाओ ये क्वेश्चन एम्पियर सर्किट लॉ का क्वेश्चन है। इमेजिन करो कि आपको एक रेडियस गिवन है कैपिटल आर, ये रहा 12 सेंटीमीटर, राइट। इस पोर्शन में एंटर कर रहे डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी, जिसकी वैल्यू गिवन है। तो इस पूरे सेक्शन में क्या करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट गिवन है, गिवन हो गया। और रेडियस कितने है, 12 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है। अब वो कह रहा है कि मुझे बी निकाल के दो, मैग्नेटिक फील्ड निकाल के दो, कहाँ, 6.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस। एक तो एक्सिस पे निकाल के दो, एक्सिस पे तो उतना ही नहीं जीरो, 6.5 सेंटीमीटर पे निकाल के दो। अब क्योंकि ये 12 सेंटीमीटर है, 6.5 कहीं अंदर होगा, तो मुझे यहाँ निकाल के दो, और ए कहाँ निकाल के दो, 15 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से बाहर निकाल के दो। तो इस क्वेश्चन को कुछ नहीं करना आपने, सबसे पहले अगर आपने इनसाइड निकालना है तो यहाँ पर एम्पियर सर्किट लॉ बी इंटू 2 पाई इंटू छोटा आर इज म्यू नॉट टाइम्स क्या, आई डैश। आई डैश क्यों, क्योंकि आपको सिर्फ यहाँ का करंट निकालना है, यहाँ का करंट निकालना है आपको, और आपको गिवन क्या है, आपको ये पूरा करंट गिवन है। तो आप क्या रूल लगाते थे कि अगर एरिया क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर है तो करंट गिवन है आई डी, अगर 1 है तो आई डी डिवाइडेड बाई कितना, पाई आर स्क्वायर, और अगर पाई आर स्क्वायर है तो आई डी डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर इंटू पाई, याद है ये आपके पास आई डैश आएगा, ऐसे करते थे ना। तो आप आई डैश यहाँ पुट करके बी निकाल लेना, मतलब एम्पियर सर्किट लॉ की बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है, बस फर्क यह है कि कंडक्शन करंट की बजाय यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट है, सेम है। तो क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है, तो ये डाउट बहुत लोग लेके आते हैं क्योंकि मिसप्रिंट है, इसमें वैल्यूज मिसिंग है। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, हो जाएगा। तो मतलब सिलेंडर के अंदर सिलेंडर के बाहर बी निकालना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद इसका सोल्यूशन देखने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद ये एक क्वेश्चन है, इसकी भी जरूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसका जो अगला पार्ट है, इसका जो अगला पार्ट है, इसमें वेव की वेलोसिटी पता है, एनर्जी ऑफ फोटोन एच सी बाई लैमडा सी पता है, ये भी पता है। ये इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशंस बनानी है, तो मैंने ऐसे याद करने को कहा था, ये देखो ऐसे ही कहा था, और मैंने इसका मॉडिफाई करके भी दिखाया था आपको, ये मैंने करके दिखाया। तो आपकी बुक कैसे भी यूज़ कर सकती है, आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अंदर इम्पॉर्टेंट क्या बताया था कि जो एक्स है, ये वाला एक्स, ये आपको क्या देगा, वेव की प्रोपगेशन, वेव की प्रोपगेशन कहाँ होगी, क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद एवरेज डेंसिटी हमने कर ली, एवरेज डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये हमने कर लिया। एवरेज एनर्जी डेंसिटी ई एम वेव, ये भी हमने कर लिया। इंटेंसिटी कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा क्वेश्चन नंबर 6, ऐसा क्वेश्चन आता है मेडिकल नॉन मेडिकल में, चेक करो प्लीज। क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल इन अ मीडियम एट अ स्पीड ऑफ गिवन, ये मीडियम के अंदर स्पीड गिवन है वी। रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ अ मीडियम इज वन, परमिएबिलिटी क्या होती है म्यू म्यू, और रिलेटिव का मतलब म्यू आर। क्या निकालना है रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर निकालना है। मेरे को इक्वेशन नंबर वन स्पीड पता है मीडियम में क्या होती है म्यू एम एप्सिलॉन एम, एप्सिलॉन एम क्या होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, म्यू एम क्या होता है म्यू नॉट इनटू म्यू आर। इन्हें सेपरेट कर लो, म्यू आर एप्सिलॉन आर एक तरफ, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एक तरफ, ये टर्म क्या होती है स्पीड ऑफ लाइट सी। तो वी क्या आ गया सी इंटू ये टर्म। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है यहाँ तक? तो ये आपके पास जो टर्म आ गई, ये आपके पास क्या आ गई, ये v आ गई। इसे स्क्वेयरिंग करो तो ये टर्म आ गई, एप्सिलॉन r निकालना है, बाकी टर्म एक तरफ। रिलेटिव परमिएबिलिटी वन गिवन है, c पता है, v पता है, आंसर। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? ठीक, तो कैसे फॉर्मूले को यूज करना है समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? सेवन्थ, प्लेन ई एम वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, ट्रेवल्स इन फ्री स्पेस अलोंग एक्स डायरेक्शन, इंपॉर्टेंट है वेव प्रोपगेशन कहाँ पर है अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन अ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 6.3 है और डायरेक्शन का है अलोंग वाई एक्सिस, जे का मतलब वाई एक्सिस। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस, वेव प्रोपगेशन एक्स एक्सिस। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां, एक एक्स में एक वाई में, तो तीसरा जेड का मतलब कौन सा कैप, के भी हो सकता है और माइनस के भी होता है, चक्कर तो यही है सारा कि के लगेगा कि माइनस के लगेगा, बस यही यही फंसोगे ऑब्जेक्टिव के अंदर भी, के कि माइनस के, क्योंकि पता तो होगा आपको, दो तो इल्यूमिनेट करके आओगे, दो में आपको फैसला करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है यहां तक? तो मैग्नीट्यूड ई का पता है तो बी का मैग्नीट्यूड तो आई जाएगा ई बाई सी, डन, राइट? क्लियर है यहां तक? अब ई वेक्टर, हाँ एक रूल याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है,
कि जो वेव की प्रोपगेशन है, वेव की प्रोपगेशन या डायरेक्शन इज पैरेलल टू ई क्रॉस बी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना कि जो भी ई क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी उस तरफ वेव की प्रोपगेशन होती है। मैं करके दिखाता हूँ आपको। इस क्वेश्चन में वेव प्रोपगेशन कहाँ पर गिवन है, एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर क्या लिखें, आई कैप, आई कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर गिवन है, जे कैप। तो मुझे सिर्फ ये बताएं कि बी वेक्टर में मैं कौन सा कैप यूज करूं कि जे क्रॉस जो भी वेक्टर है आंसर क्या है, आई के। तो क्योंकि वेक्टर का रूल क्या सिखाया था प्लस वन में, आई जे एंड के, तो अगर हम आई को जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे आंसर के आएगा, जे को के करेंगे तो आई आएगा, के को आई करेंगे तो ऑब्वियसली जे में अगर के कैप करेंगे तभी आंसर आई आएगा। तो इसलिए पीछे क्या लगेगा, कौन सा कैप है, के है। समझ में आ रहा है कैसे चेक करना है, ठीक है। इसमें पूरे क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ही वेव की डायरेक्शन है, ये क्रॉस प्रोडक्ट ही सारी गेम प्ले करेगा बस। ई और वी में मैग्नीट्यूड में कुछ करना ही नहीं है, मैग्नीट्यूड तो इसी फॉर्मूले से आ जाएगा। नेक्स्ट एट, तो क्या क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बोलो कहां पर है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बोलो कहां पर है। अच्छा अब मुझे बताना पड़ेगा कि देखो इसके पैर में वाई लगा है तो वाई एक्सिस होता है, इतना बड़ा उसने भी के पैर में वाई डाला हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग जे कैप यार, वाई एक्सिस, ठीक है। वेव की प्रोपगेशन किस एक्सिस के अलोंग है, वेव कहाँ मूव कर रही है, कैसे पता लगा, क्योंकि इसके ब्रैकेट में एक्स है, वेव की प्रोपगेशन एक्स है, मैग्नेटिक फील्ड वाई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पक्का एक्स जेड है, जो बचा वो जेड है। पर ये अच्छी बात है, इसने अपना क्वेश्चन आई जे में नहीं पूछा, तो आप सिंपली भी लिख सकते हो जेड एक्सेस के लॉन्ग है। भाई तुम नहीं बता रहे वाई जे है कि माइनस जे है, तो हम क्यों बताए कि के है कि माइनस के है, तो हम भी बोलेंगे जेड है, बात खत्म। जब तुम ही नहीं बता रहे आई और माइनस जे, तो हम कैसे बताएंगे, तो इसलिए इसका आंसर जेड एक्सिस ही लिखना पड़ेगा। तो इसके अंदर ये वेव की इक्वेशन है, मैं इस वेव की इक्वेशन की बजाय ज़्यादातर ये यूज़ करता हूँ बी, मैं ये यूज़ करूँगा इसके साथ कंपेरिजन में, बी इज इक्वल टू बी नॉट साइन ऑफ के एक्स प्लस ओमेगा टी। तो कंपैरिजन में ये जो टर्म है ये क्या आएगी, के, तो के की वैल्यू आ गई 0.5
इंटू 10^3 और के होता क्या है 2π/λ। तो सॉल्व करके क्या जाएगा लैमडा, और कंपैरिजन में ये जो टर्म है वो क्या जाएगी ओमेगा, तो ओमेगा क्या आएगा 1.5 इंटू होगा इंटू 10^11, तो ओमेगा 2π इंटू फ्रीक्वेंसी, यहाँ से क्या जाएगी फ्रीक्वेंसी। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कंपैरिजन कैसे करना है, चाहे इससे कर लो चाहे उससे कर लो जिससे मर्जी कर लो। फिर वो क्या कह रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या गिवन है बी नॉट, बी नॉट, तो हमें काम करेंगे बी नॉट को सी से मल्टी, क्योंकि सी क्या होता है ई नॉट बाई बी नॉट, तो ई नॉट इज इक्वल टू सी इंटू बी नॉट करके क्या आ जाएगा ई नॉट, ई नॉट आ गया। वेव की इक्वेशन में ई नॉट अंदर का कुछ चेंज नहीं करना, अंदर एंगल विल रिमेन जो बी का है वही ई का है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलोंग है, क्लियर है यहाँ तक, आंसर जेड, इसके पैर में जेड लिख देना ठीक। लाइट वाला क्वेश्चन है, लाइट विद एनर्जी ये हमने किया हुआ है, मोमेंटम ये सब, एवरेज इंटेंसिटी ये सब शीट की प्रॉब्लम्स हैं, तो ये सब हमने किया हुआ है, ये भी किया हुआ है। ये वेव की क्वेश्चन है 13 देख लो, तो 13 के अंदर प्लेन ईएम वेव इज प्रोपोगेटिंग इन एक्स डायरेक्शन, तो चलो दे ही दिया उसने, वेव की प्रोपोगेशन एक्स के अलोंग है, एंड वेवलेंथ भी गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन एंड मैक्सिमम मैग्नीट्यूड 33, ई नॉट गिवन है, ई नॉट गिवन है, तो बी नॉट तो हम निकाल ही लेंगे। क्या निकालना है, इक्वेशन लिखो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की इन फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख लो चाहे, जो हमने याद की, या ये लिख लो, एक ही बात है, जो ओमेगा टी माइनस के एक्स किया था ना उसमें से ओमेगा कॉमन निकला हुआ है, ये उसी को यूज़ कर लो तो भी चलेगा। तो ई नॉट पता है और ओमेगा पता है, तो इसको ऐसे ही रहने दो, ना टी पता है ना एक्स पता है, कुछ भी नहीं पता, ऐसे ही बी नॉट पता है अंदर, ऐसे ही रहने, तो आंसर आ गया बस ई नॉट बी नॉट, ठीक है। यहाँ तक अपने फॉर्म में लिख लो, ओमेगा टी माइनस के एक्स या के एक्स माइनस ओमेगा टी की फॉर्म में लिख लो तो भी चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बाकी ये सारे क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं। अभी जो नेक्स्ट मुझे करवाना है ये कर लो, 15th लाइट बीम ट्रेवलिंग इन एक्स डायरेक्शन, ये रही एक्स डायरेक्शन लाइट बीम, हाँ एक्स, ये रहा एक्स, ठीक है, वेव की प्रोपगेशन एक्स है और इलेक्ट्रिक फील्ड वाई है। इलेक्ट्रॉन इज कंस्ट्रेंड टू मूव अलोंग वाई डायरेक्शन विद अ स्पीड ऑफ गिवन, फाइंड मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन। देखो वो अगर आपको ई दे रहा है, आप यहां से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ई नॉट निकाल लेंगे, ई नॉट से बी नॉट आ जाएगा, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगी क्यू ई नॉट, और मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी बी नॉट क्यू वी, बी क्यू वी। तो यानी कि अपने को क्या चाहिए ई नॉट और बी नॉट, ई नॉट तो मुझे दिख ही रहा है 270, तो यहां से फॉर्मूला यूज करके क्या आ गया बी नॉट, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गई। समझ में आ रहा है कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है।